जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री णमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद सम्पन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। कल से महापर्व पर्युषण प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ लोगों को मानना है कि पर्युषण पर्व शाश्वत पर्व नहीं है, अष्टानका आदि पर्व शाश्वत पर्व है। महानुभाव, बिना पर्युषण पर्व के इस सृष्टि में सारे पर्व अमान्य है या कम है या छोटे हैं, ये कह सकता हूं। क्यों? महानुभाव, इस सृष्टि का प्रारंभ इस पर्व से हुआ है। जब इस धरती में अति पाप बढ़ जाता है, जिन धर्म समाप्त होने हो जाता है, तब यह पृथ्वी अहिंसा के अभाव में, जियो जीनो दे के अभाव में अपनी कूर प्रवृत्ति में आ जाती है और 49 दिन अग्नि की, पत्रों की, नाना प्रकार की कुपृष्टि होती है, जिससे यह धरती के सारे जीव खत्म हो जाते हैं। सब जीव उस वृष्टि के पहले इस सृष्टि के संरक्षक 100 धर्म इंद्र इस धरती में आते हैं और जितने भी जीव जंतु हैं उनके एक एक जोड़े को बिजयार पर्वत की गुफा में रख देते सुरक्षित, ताकि आगे सृष्टि की बढ़ाने में वो काम आ सके। ऐसे एक एक जोड़े बिजयात पर्वत की गुफा में स्थापित कर देते हैं। 49 दिन खूब कुवृष्टि होती है, पूरी धरती तहस नहस हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर इस प्रगति का थोड़ा सा रौद्र रूप कम होता है, यह सब स्वाभाविक है, ये कोई भगवान के द्वारा किया जाने वाला ये नहीं, ये स्वाभाविक है। इस प्रगति का सृष्टि का जिन धर्म है, जिन धर्म ही प्रगति धर्म है, सृष्टिक धर्म है, इस बात को इस पूरे मानव जाति को, जीव मात्र को मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं मानते हो तो महानुभाव,
नहीं मानने पर यह प्रगति, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो भावों में पाप हिंसा मानता है। सबसे पवित्र एक ही धर्म है, जिन धर्म जो भावों में अगर बुरी बात आ जाए किसी के प्रति उसको पाप मानता है, इसलिए प्रगति धर्म है। और कोई बड़ा काम और कोई इसके लिए कारण नहीं है। तो मानव विचार परिवर्तन पे वो रख देता है, फिर 49 दिन सुवृष्टि होती है और सुवृष्टि होने पर यह धरती फिर से पुनः अंकुरित हो जाती है, सुविक्ष हो जाती है, इसमें पेड़ पौधे और सब, उसमें घी की वर्षा, दूध, पंचामृत की वर्षा होती है, पंचामृत की 49 दिन वर्षा होती है, घी दूध आदि की, जिससे यह धरती शुद्ध पवित्र पावन हो जाती है। फिर स्वधर्म इंद्र इस धरती में अवतरित होता है और भी जोड़ों को विजात पर्वत से लाता है, और लाने के बाद सोचता है कि क्या किया जाए। सबसे पहले यह सृष्टि बहुत अच्छी चली, तब वो जाकर के 10 लक्षण पर्व का प्रारंभ करता है, और इस भादो महीने से ही शुरू होता है। ये भादो महीने की पंचमी से 10 दिन तक वह है स्वधर्म इंद्र 10 लक्षण पर्व ना करके इस सृष्टि का प्रारंभ करता है। तो इस सृष्टि को प्रारंभ करने में यह महापर्व है, और हमारे इस विश्व में महावारी आदि रोग है। हे भगवान, ये सब हटे, इस महिमा भावना के साथ आज की पूजन प्रारंभ करेंगे। उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भाव पूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। विधान के चलते समस्त आर्य का संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्राप्त किया, और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी आवाज में भक्तों को बांधे रखा। समस्त जय बोलो 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य राष्ट्र संत श्री विद्यानंद जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म प्रेमी बंधु आचार्य कुंद महाराज रेण सार में जब उनके चरणों में बैठकर पूछा कि भगवान सम्यक दर्शन रूपी धर्म किसके लिए होता है, सम्यक रूपी धर्म किसके जीवन में आता है, तो कहते हैं कि विवेकी के जीवन में धर्म होता है। न जानदि कज्ज कज्जम पर्णम पावम बेहिनाणब तच्चम तच्चम तधम्मम अधम्मम नासोसम उम्मुको। ये कहते हैं कि जो कर्तव्य अकर्तव्य को और सेवम करने योग्य और सेवन करने योग्य क्या वस्तु है, हितकारी अहितकारी क्या वस्तु है, पुण्य पाप क्या है, तत्व तत्व क्या है, धर्म अधर्म क्या है, इत्यादि बातों को जो नहीं जानता है वह सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। और जिसके जीवन में इसका ज्ञान होता है वह विवेकी है। वह विवेकी कैसा है कि जिसके जीवन में कि कर्तव्य और अकर्तव्य करने योग और करने योग कार्य में जिसकी बुद्धि लगी रहती है, करने योग कार्य क्या है और करने योग कार्य क्या नहीं है,
वह जानता है, जो जानता है वह विवेकी है, और जो करने और योग कार्य और करने योग कार्य में के निर्णय करने में जिसकी बुद्धि नहीं लगती है वह अविवेकी है। सेवन करने योग क्या है और सेवन करने योग क्या है, सेवन करने योग अर्थात हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है, इसको जो जानता है वह विवेकी है। धर्म और अधर्म के बारे में जानता है, यदि धर्म के अधर्म को धर्म के नाम से अधर्म को ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। विवेकी होता है, उसके जीवन में धर्म और अधर्म के भेद को जानता है, ऐसे ही पुण्य और पाप के भेद को जानता है, किन कार्यों के करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और किन कार्यों के करने से पुण्य की पाप की प्राप्ति होती है, इसके भेद को जो जीवन में जानता है वह विवेकी। तत्व अतत्व को जानता है, तत्व क्या है अतत्व क्या है, तत्व को जानकर उसे ग्रहण करता है, अतत्व को छोड़ देता है। इस प्रकार से उसके जीवन में नित्य आत्मा नित्य है, शरीर आदि अनित्य है, हे उपादे अर्थात धर्म उपादे है और अधर्म हे है, सत्य असत्य सत्यत्मी आत्मा को जानता है, और सत्य जो दिख रहा है वह सत्य नहीं है, इत्यादि बातों के बारे में जिसके जीवन में विवेक है, जिसके जीवन में भेद विज्ञान है, उसका जीवन तो सार्थक है, और जिसके जीवन में इसका भेद विज्ञान नहीं है उसका जीवन बर्बाद है। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं, जैसे कुएं से बाल्टी निकालते हैं ना रस्सी से, और वह बीच में छूट जाए तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता है, ऐसे ही जिसे विवेक नहीं है, जिसके जीवन में भेद विज्ञान नहीं है, उसे संसार से कोई बचाने अर्थात भगवान भी नहीं बचा सकता है। पहाड़ से उतरने के लिए उतरते हैं तो सहजता होती है, सावधानी से उतर आते हैं, और चढ़ने के लिए कहते चढ़ते हैं तो सांस फूलती है, ऐसे ही सदाचरण अच्छा आचरण अपने जीवन में करने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, और कहते हैं बुरी आदतें तो असहजता में अपने आप आ जाती हैं। अपने जीवन को कहते हैं जितने भी सद्गुण हैं, जितनी सद्गुणों की संपदा है, सारी सद्गुणों की संपदा विवेकी के पास इकट्ठी होती है, और जितनी भी असद्गुण हैं, जितने भी संपदा भी है, अविवेकी है, गुणों की संपदा भी है लेकिन अविवेकी है, तो कहते हैं उसके जीवन से वे संपदा भी धीरे धीरे चलायमान अर्थात चली जाती है। इसलिए कहा है कि जितना भी ज्ञानी है विवेकी है भय तो सुखी होता है, अज्ञानी हमेशा दुखी रहता है, मिथ्या दृष्टि है भय हमेशा दुखी रहता है, और सम्यक ज्ञानी है भय हमेशा मुस्कराता रहता है, सदैव उसके जीवन में सुख रहता है। एक बार की बात है, एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेला देखने गया, जिद कर गया खिलौना लेने की, और वह खिलौना उसके माँ बाप दिलवा देते हैं, वह मिट्टी के खिलौने से दिन रात खेलता रहता है, खाने पीने की भी शुद्ध नहीं रहती है। एक बार जी सीढ़ी से उतरते समय वह खिलौना गिर जाता है, हाथ से छूटकर
टूट जाता है तो वह जोर जोर से रोता है, चिल्लाता है, हाय मेरा खिलौना टूट गया, अब मैं किसके साथ खेलूंगा। ऐसे ही वह जीवन में उसके माता पिता उसके बाद पास पीछे खड़े जीना के पीछे खड़े देख रहे थे, परंतु वे टूटा हुआ खिलौना देखकर रो नहीं रहे थे। ऐसे ही अज्ञानी ज्ञानी जानता है कि मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है तो वह मुस्कराते हुए चला जाता है, हाय हाय नहीं करता। अज्ञानी वह बच्चे की तरह खिलौना जैसे टूट जाता है। अज्ञानी जानता है अरे मैं मर जाऊंगा, अब कहाँ जाऊंगा, ये परिवार का क्या होगा, कैसा होगा। हे भाई, इन 10 लक्षण धर्म आने वाले हैं, वे हमें अपनी आत्मा का ज्ञान कराने के लिए, आत्मा की शुद्ध दिलाने के लिए, आत्मा की पहचान कराने के लिए ये धर्म आ रहे हैं। हमें अपने जीवन में ऐसा विवेक जागृत करना है जिससे हमारे जीवन में ये 10 धर्म अवतरित हों, हमारा जीवन सुख शांतिमय हो। ऐसे इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की। सायंकाल संगीतमय आरती का आयोजन हुआ जिसमें सभी भक्तों ने झूम झूम कर प्रभु की आरती उतारी। जय पारस।